कई बार हम देखते हैं ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में कुछ डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस में मेन कंपोनेंट होता है प्रोविडेंट फंड, पीएफ। तो हम कई बार सोचते हैं कि ये पीएफ कट क्यों रहा है, बेटर हो कि नेट सैलरी में ये ऐड होकर हमें मिले। और कई बार इवन हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड पीएफ की वजह से हमें टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो हमें लगता है कि ये तो टोटल लॉस की सिचुएशन है, ये क्यों डिडक्ट होता है सैलरी में से। तो आइए आज इसी को समझते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है पीएफ डिडक्शन फ्रॉम सैलरी कैलकुलेशन, जिसमें हम देखेंगे कि पीएफ का मतलब क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रेट है, कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मोर देन लिमिट होती है तो क्या होता है, डिडक्शन का ब्रेकअप क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या होती है पीएफ में, और टैक्सेबिलिटी कब लगती है इवन जॉब छोड़ने के बाद भी। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग और नीड क्या होती है पीएफ की। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। क्या इसकी जरूरत है, इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसने कई साल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कंपनी में काम किया, जब तक वो काम करेगा उसे सैलरी मिलेगी, उसकी एक रेगुलर इनकम बनी रहेगी, बट जब वो जॉब छोड़ता है या फिर रिटायर हो जाता है तो क्या उसको वो सैलरी वो रेगुलर इनकम मिलेगी, नहीं। बट क्या उसके खर्चे जो लिविंग एक्सपेंस है वो खत्म हो जाएंगे, वो तो रहेंगे, तो वो सरवाइव कैसे करेगा। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला कि एक फंड बनाए सभी ऑर्गेनाइजेशन सभी एस्टेब्लिशमेंट्स को डायरेक्ट किया कि एक फंड बनाए जिसे कहा जाएगा प्रोविडेंट फंड। जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा या फिर रिटायर हो जाएगा तो उस फंड का पैसा उसे दिया जाएगा, जिसे उसे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा, जिससे उसका सर्वाइवल जो है वो इजी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं उस फंड में, और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है। क्या यह सभी पर अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। कोई भी फैक्ट्री जिसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है उस पर यह अप्लाई होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर यह अप्लाई कर सकती है, बट मेक श्योर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 20 से कम एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस देना पड़ेगा, बट अगर 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वो इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई कर सकती है। ये तो बात हो गई मतलब और उसकी जरूरत की। अब समझते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। पीएफ का कंट्रीब्यूशन रेट क्या होता है? जनरली होता है 12%, बट किसी किसी केस में 10% भी होता है। 10% किस केस में होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए उसने पहले 20 से ज्यादा एम्प्लॉय थे बट अब 20 से कम है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशन अभी सर्वाइवल मोड पे है, उसके एम्प्लॉय घट रहे हैं, तो उस केस में वो 10% से दे सकती है। कोई भी सिक इंडस्ट्री, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री अभी लॉस में चल रही है, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके टोटल एक्युमुलेटेड जो लॉस है वो उसकी नेटवर्थ से भी ज्यादा हो गए, या फिर जूट, बीडी, कोर, गार्गम फैक्ट्रीज जो है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये डेवलपमेंट नहीं है, इनकी डेवलपमेंट चल रही है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी 10% की रेट से पीएफ दिया जा सकता है। बाकी सभी केसेस में जनरली अगर हम देखें तो 12% जो है वो रेट है पीएफ का। अब समझते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए, हम पीएफ में बात कर रहे थे 10% 12%, बट ये परसेंट किस पर अप्लाई होती है? ये परसेंट होती है जो आपकी बेसिक है प्लस डीए। डीए जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, तो अगर हम बात करें सैलरी में जो बेसिक लिखा होता है कि बेसिक सैलरी इतनी है आपकी, उसका 10 या 12%। तो अगर ग्रोथ सैलरी फॉर एग्जाम्पल दो केस हम देखते हैं, ग्रोथ सैलरी अगर 20,000 है, बेसिक है 12,000, तो बेसिक का 12% 1,440, इतना ही आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इतना ही आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। केस टू में देखें, ग्रोथ सैलरी है 50,000, बेसिक है 30,000, तो यहाँ दो केस हो सकते हैं। पहला केस है 12% 30,000 का 3,600, आप भी इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका एम्प्लॉयर भी इतना कंट्रीब्यूट करेगा। बट अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप इतना पीएफ नहीं देना चाहते, तो उस केस में क्या होगा, पीएफ की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15,000। जनरली ये कहा जाता है कि अगर 15,000 से ज्यादा है आपकी बेसिक, तो उस केस में पीएफ जो है वो कंपल्शन नहीं है, तो उस केस में मैक्सिमम जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, वो है 15,000 बेसिक। तो 15,000 का 12% 1,800,
उतना आप कटवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 3600 नहीं 1800 आप देंगे, तो इस तरह से आप ट्रिक कर सकते हैं। अगला समझते हैं कि अगर एम्प्लॉयज की जो सैलरी है मोर देन लिमिट तो फिर क्या होगा। जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो सैलरी की थ्रेशोल्ड लिमिट है बेसिक प्लस डीए की वो है 15,000। अगर एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है, अगर 15,000 या उससे कम है तो पीएफ डिडक्शन होगा, बट अगर 15,000 से ज्यादा है और पहले से उसके पास यूएन नंबर नहीं था, यूएएन नंबर जो आपका पीएफ से लिंक होता है, अगर वो नहीं था और वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है जिसमें उसकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो उस केस में वो फॉर्म 11 फिल कर सकता है और डिक्लेरेशन दे सकता है कि उसे पीएफ नहीं कटवाना। अदरवाइज अगर उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, अब उसकी सैलरी जो है वो 15,000 से ज्यादा है बेसिक, तो उस केस में वो क्या कह सकता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उस पर उसका पीएफ डिडक्ट किया जाए। जो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 15,000, उसका 12% 1800 जो है वो पीएफ कटेगा। जैसा हमने देखा था 30,000 का 12% नहीं, वो 1800 कटवा सकता है 15,000 का 12%, तो ये उसके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अब समझते हैं पीएफ जो डिडक्शन होती है 10% या 12%, क्या 10 या 12% एग्जैक्ट पीएफ में जाता है? द आंसर इज नो। एम्प्लॉय का जो भी 10 या 12% है वो तो जाता है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में, बट जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करता है उस अगर 10% दे रहा है तो उसका 1.67% ही पीएफ में जाता है। 12% के केस में 3.67% जाता है पीएफ में, बाकी जो 8.33% है वो जाता है पेंशन फंड में, क्योंकि ये माना जाता है कि एक टाइम के बाद अगर रिटायर होता है तो उसको कुछ रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो वो पेंशन फंड जनरेट करता है जिसके अपने अलग प्रोविजंस हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, यहां हम देख रहे हैं कि पीएफ जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉय अगर कहता है कि नहीं मैं 10-12% नहीं मैं 20% कंट्रीब्यूट करूंगा, वो ऐसा कर सकता है, बट एम्प्लॉयर के ऊपर कंपल्शन नहीं होगी। एम्प्लॉयर जो है वो उसके ऊपर कंपल्शन है कि वो 10 या 12% ही देगा। ऐसा नहीं है कि आप 20% 30% कटवा रहे हैं और आप एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो भी उसी हिसाब से कंट्रीब्यूट करें। अब समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन पीएफ क्या होती है। आप अभी जॉब पर हैं तो एम्प्लॉय ने पूरे साल पीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किया है, अगर वो 1.5 लाख तक है तो उसका एग्जम्पशन ले सकता है 80C में, और 80C में बहुत सारी और एग्जम्पशंस होती हैं, सबको मिला के वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन ले सकता है अपने कंट्रीब्यूशन का। अगर उस पर जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देगी, अगर इंटरेस्ट जो है वो कैसे एग्जम्प्ट होगा, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा अगर जो टोटल साल में उसने कंट्रीब्यूशन दिया है वो 2.5 लाख से कम है उसका कंट्रीब्यूशन, तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट होगा। अगर उसने फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ने पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया 5 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख का एग्जम्प्ट होगा, 2.5 लाख पे इंटरेस्ट जो होगा उस पर टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं जो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर कैसे होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट, अगर वो 12% की रेट से या 10% की रेट से कंट्रीब्यूट कर रहा है जो मैक्सिमम 7.5 लाख तक है, तब तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज उस पर टैक्स लगेगा। और एक बात और समझते हैं कि जस्ट इन केस अगर पीएफ डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में 9.5%, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे दिया है, और वो इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज्यादा है तो 9.5% तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट होगा। अगर गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल 10% की रेट से इंटरेस्ट दे रही है तो 0.5% जो एक्स्ट्रा है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये तो बात होगी जब आप जॉब पर होते हैं तब क्या टैक्सेबिलिटी होती है। अब समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन पीएफ आफ्टर लिविंग जॉब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये जनरली पब्लिक सेक्टर के लिए होता है और ये जो प्रोविडेंट फंड है रिकॉग्नाइज होता है पीएफ में। इसमें होता क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने जॉब छोड़ी बट उस कंपनी में आपने 5 साल से ज्यादा काम किया था तो फिर ये एग्जम्प्ट होगा, जो पीएफ मिलेगा उस पर टैक्स नहीं कटेगा। बट अगर आपने 5 साल से ज्यादा काम नहीं किया था बट आपका जो पीएफ है वो आपने सेम पीएफ अकाउंट जिस कंपनी जो नई कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे लिंक करवा दिया, तब भी एग्जम्प्ट है। बाद में आप वो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ रहे हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के टोटल जो टाइम है वो 5 साल से ज्यादा है, फिर भी एग्जम्प्ट है। या फिर अगर एम्प्लॉय को जॉब छोड़नी पड़ रही है किसी ऐसी सिचुएशन से जो उसके कंट्रोल में नहीं है, जैसे अगर हेल्थ इश्यू हो गए, या फिर कंपनी का बिजनेस ही बंद हो रहा है, या फिर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन इन द सेंस
कि कंपनी कह रही है कि हम अब आपको नहीं रख सकते, हमारी अब इतनी स्ट्रेंथ, इतना प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय को जॉब छोड़नी पड़ती है जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, उस पर जो पीएफ मिलता है, उसके बाद जो पीएफ मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। बाकी सभी केसेस में जो पीएफ मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि पीएफ क्या होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशंस होती है, जिस रेट से मिलता है उसका ब्रेकअप क्या है, उसका यूज क्या है, और क्या इसमें टैक्सेबिलिटी के प्रोविजंस है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।